सो हे गाइस, दिस इज़ नीलम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम ड्रॉ करने वाले हैं एक प्यारा सा पोर्ट्रेट जो हम वाटर कलर से बनाने वाले हैं। सो गाइस, बहुत टाइम हो गया था एंड वाटर कलर का यूज़ नहीं किया मैंने। सो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा वाटर कलर का यूज़ करके एक प्यारा सा ड्राइंग बनाया जाए। सो मैंने ये ट्राई किया है, ठीक है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो आप लोगों को इसका जो स्केच है वो ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इसमें वाटर कलर जो है ना वो बहुत ध्यान से ड्रॉ करना है। आप देख सकते हो कि मेरे पास इसमें स्किन कलर था, तो मैंने स्किन टेक्स्चर के लिए इसमें स्किन कलर ही यूज़ किया है। एंड डार्क एरिया जो है इसमें उनको ड्रॉ करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर का यूज़ किया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि स्किन कलर के साथ ब्राउन कलर जो है वो बहुत अच्छा मैच करता है, तो ये चीज़ सही लग रही है। एंड आप देख सकते हो कि स्किन टेक्सचर जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड गाइज, अभी हम आई ड्रॉ कर रहे हैं एंड आई जो है वो ब्लैक कलर की होती हैं, तो हम अभी ब्लैक कलर से ही आई का ड्रॉ करेंगे। एंड गाइज, आप देख सकते हो कि हमारी जो आईब्रोज है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। डार्क एरिया के लिए तो ब्राउन कलर यूज़ किया है। आप देख सकते हो, आप लोग ना वीडियो को अच्छे से एब्जॉर्ब करके देखना कि कहाँ कहाँ पे डार्क एरियाज हैं एंड कहाँ पे लाइट एरियाज हैं, क्योंकि अगर आप लोग सही से वीडियोस नहीं देखोगे तो आपको डार्क और लाइट एरियाज जो है इनका पता नहीं चल पाएगा। तो आप देख सकते हो। सो गाइज, अभी हम लिप्स ड्रॉ कर रहे हैं। एंड गाइज, लिप्स को ड्रॉ करने के लिए भी आपको लाइट और डार्क एरियाज जो हैं इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एंड आप देख सकते हो कि जब भी आप वाटर कलर का यूज़ करते हो ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से वाटर कलर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वाटर कलर जो है ना इनके फैलने के चांस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। जब आप एक कलर अप्लाई करते हो, अगर वो कलर सूख जाता है तो उसके बाद ही आप दूसरा कलर अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो वो कलर जो है ना वो आपके बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे, फिर आपकी ड्राइंग ख़राब होने के चांस बन जाते हैं। एंड आप देख सकते हो कि आँखों के बीच में मैंने हल्का सा रेड कलर यूज़ किया है, क्योंकि जो आँखें हैं ना वो रेड कलर से, हल्का सा रेड कलर यूज़ करने से वो रियलिस्टिक लग रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाने के लिए कुछ अलग किया जाए। सो आप देख सकते हो कि हमारी जो ड्राइंग है ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अभी मैं इसमें इयररिंग्स ड्रॉ कर रही हूँ। एंड इयररिंग्स का मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि इसमें कौन सा कलर यूज़ किया जाए जिससे ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगे एंड अच्छी भी लगे। सो गाइस, मैंने के साथ ना ब्लैक का यूज़ किया है एंड आप देख सकते हो कि रेड के साथ ब्लैक ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सो गाइज, इसलिए मैंने रेड के साथ ब्लैक इयररिंग्स बनाई है। सो गाइज, आप लोग ना कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि रेड के साथ ये ब्लैक इयररिंग्स जो है ना वो कैसी लग रही है। सो गाइज, आप लोग पूरी वीडियो देखना कि आपको ये वीडियो कैसे लगती है। एंड गाइज, इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने। सो गाइज, प्लीज़ अगर आपको सही लगे वीडियो तो लाइक करना। तो आप देखो कि अभी जो मैं इसमें जो इनकी जो साड़ी है ना वो भी मैंने रेड कलर की ही ड्रॉ की है, क्योंकि अब ये हो गया था कि मुझे मैचिंग करना था, इयररिंग्स के साथ इनके जो कपड़े हैं वो मैच करने थे, तो मैंने रेड कलर की इसमें साड़ी बना दी एंड इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर जो है वो यूज़ कर दिया। कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड गाइस, अगर आपको ड्राइंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आप सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। सो गाइज, हमारी जो ड्राइंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एंड गाइज, आई होप आप लोगों को ये ड्राइंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। एंड आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लुक जो है वो ड्रॉ हुआ है। ये ड्राइंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, आप देख सकते हो।
सो गाइज, अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो प्लीज़ YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको ड्राइंग से रिलेटेड वीडियोस जो है वो यहाँ पे मिलते रहेंगे, आप जो है वो वीडियो देख पाओगे एंड यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।